तो है गाइस, क्या हालचाल। तो आ चुके कि मोस्ट फनी गेम प्ले में और उतरते हैं सिंक डेल्टा और हमारे साथ है हमारे चंगू और मंगू। तो फटाफट से लूट उट कर रहे होते तभी देखते हैं राइट साइड में हमारे उतरते हैं पूरा का पूरा फुल बॉडी वाले स्क्वाड। तो हम बोलते भाई कौन है भाई, इतना पूरा खानदान लेके पानी में उतर गया भाई, जहाज खराब हो गया था क्या कि पैराशूट से उतर रहे हो पानी में, जहाज ही उतार दिए होते। तो फटाफट से हम बोलते ये भाई सब कुछ ज़्यादा ही तेज लग रहे हैं, इनको पहले निपटा दो, बाकी दो तीन बंदे को छोड़ो। और उसके बाद हमारे देखते हैं कि चंगू भैया को कोई पेल के भूत बना दिया होता है। तो हम बोलते आओ तुम्हारी गांड सहला दे, अबे कौन मार रहा है बे। तो फिर का भाई BSS चला रहे होते हैं तो हम बोलते मंगू तुम चंगू को हाथ लगाओ और हम उसको निपटा के आते हैं। तो अब मंगू हमारे चंगू को बचाएंगे और उनकी गांड सहलाएंगे और तब तक हम BSS वाले को ठिकाने लगाएंगे। चलो बेटा BSS नहीं चलाने का, अब उनको जैसे BSS वाले को मारते तभी देखते सामने की तरफ दो दो बंदे जा रहे हैं चंगू मंगू के भाई टिंगू। तो अब फटाफट से इधर से आते हैं और बोलते हैं भाई नंगे वाले को पकड़ो, थोड़ा सा मजा करेंगे, बेचारे के पास खाली चट्टी बंडी है। तो इनको पकड़ते हैं तो बोलते हैं भाई ऊपर आ जा, तू ऊपर आ जा, तेरे को कपड़ा दिलाता हूँ मैं खरीद के। अब जैसे ऊपर आते हैं भाई हमारे मंगू आ जाता है, साले का नियत डोल जाता है। अब इधर आ साले लकड़ी से, इधर आ चल, लौंडिया के चक्कर में पड़ेगा पेला जाएगा। और ये लौंडिया हमारी, अबे कहाँ जा रहे, अबे रुक बे नीचे खतरा है बे इज्जत का तेरे। और इन भाई साहब को देख लो उसका मार रहे हैं। तो हम भाई बोलते हैं भाई तू जा भाई, तेरे को कोई जरूरत नहीं, हमारे को एक लौंडा मिल चुका है, इसी को हम लोग बचाएंगे। और लास्ट अब कलुआ गए रे, कलुआ गए मारो। अबे मर जा साले कलुआ, मर जा, कब तक साले घुमाएगा हमको, बेइज्जती करवा रहा है हमारी एम की। तो फटाफट से कलुआ भाई को नॉक करते हैं, उसके बाद से लूटपाट करते हैं और कुछ मिलता तो है नहीं। तो ये भाई साहब को आप लोग देखो कितना ही मजा आने वाला है, इसी बंदे को हम लोग लास्ट तक बचाएंगे और इसी को चिकन दिलाएंगे। तो पूरा वीडियो देखना और मजा ना आए तो 12 बजे रात को पक्का है आपका एम वापस करा दूंगा कंपनी वाले से बोल के। अब हम इन भाई साहब के पीछे लग जाते हैं और ये भाई साहब इतने बड़े लुटेरे होते हैं, इतने बड़े लुटेरे होते हैं कि बंदा का पेटी तो लूटते ही भाई साहब उनका कपड़ा भी लूट लेते हैं। तो अभी देखना कितना ही मजा आने वाला है। तो यहाँ पे फटाफट से हम लोग घुसते हैं, देखते हैं भाई साहब को मिनी मिल चुका है और लेजेंड को बोलते भाई जितना भी खुटर पुटर एटर उटर कर रहे हैं साले बोट सबको साफ कर दे भाई, आवाज़ बहुत आ रहा है। तो उधर मारने में लगा होता है और हम भाई साहब को बोलते हैं कि इधर ही रुको। और तब तक देखते हैं भाई साहब को बाथरूम लग गया है तो बोलते हैं मंगू भैया हमको भी लगाए लेकिन लाइन लगाना पड़ेगा। तो हम बोलते चलो भाई पीछे से लाइन लगा लो, हमको भी थोड़ा लगाए। तो हम लाइन, अबे मंगू चल साले लाइन में आ, चल ऐसे नहीं भाई बेईमानी नहीं, चल लाइन में लग। भाई साहब को बाथरूम लगाए, लाइन से जाने का, लाइन से लेने का, लाइन से करने का। अबे पीछे क्यों घूम रहा है बे ससुरा, तीर धनुष लिया है कहीं उड़ा ना दे। तो फटाफट से बोलते हैं हमारे चंगू भाई की इधर आ जाओ, एक बंदा हमको पूरा घेर लिया है, मार रहा है, तड़ातड़ कर रहा है। तो हम बोलते हैं रुक आते हैं स्टिक लेके और इसको बजाते हैं, वही स्टिक नहीं मतलब छड़ी, छड़ी से मारेंगे। और देखते हैं भाई साहब तो उसके पीछे ही पड़े तीर धनुष लेके। तो हम बोलते हैं चलो मार लो भाई, वो गया ऊपर, ऊपर गया, ऊपर गया, अबे उधर नहीं ऊपर गया बे, अभी तो हम ही को देख लिया। चलो बाहर आओ और मारो, ए मारो मारो मारो। अभी भाई साहब एम लगा रहे होते और हम रुकी नहीं रहते, तो हम बोलते मार लो भाई। खत्म, भाई साहब का एमओ खत्म हो गया। हम बोलते हैं भाई लो तो हमारी गन ले लो, अरे तीर धनुष से मत मारो, एक मारोगे हेड लग गया तो हमारे लौड़े लग जाएंगे, तो ये लो गन लो इससे मारो। चलो तब तक हम मंगू को बोलते हैं भाई अपने वो पार्टनर को लेके आ गया, चलो मार बेटा। हाँ मार दिया बहुत हार्ड। और देख भाई साहब को किल एक मिलने वाला है, तो इनको एक किल हम लोग दिला देते हैं और फटाफट से लूटते हैं। और ये भाई साहब बहुत ही होशियार होते हैं, इनको पता चल गया कि हम लोग मीटअप वाले हैं तो हम लोग को मारते भी नहीं है भाई, ये लूटा पार्टी कर रहे होते हैं। और देखो कपड़ा भी चोरी कर लिए, मतलब जिसका भी पेटी लूटेंगे भाई साहब कपड़ा भी चोरी कर लेंगे, देखो कैसे भाग रहे। तो हम लोग इनके हो चुके थे बॉडीगार्ड, 15,000 रुपये महीना देने को बोले थे, तो हम लोग बोले चलो तुम्हारा बॉडीगार्ड करेंगे, बॉडी को गार्ड हमें पीछे से नहीं लेने का रे, साले उसका बॉडीगार्ड है तू साले मंगुआ, पीछे ही लग गया है भोसड़ी वाला उसके। अब देखना यहाँ पे भी कपड़ा चोरी कर लिए भाई साहब, कपड़ा भी नहीं लूटना होता है खाली गन लूटना होता है। तो वहाँ से भाई लूटर पटर करते हैं और यहाँ आते हैं और यहाँ पे इनके पीछे पीछे लग जाती है, भाई साहब जोन के बाहर ही भाग रहे होते हैं। तब बोले भाई इधर नहीं भागने का,
घर में घुसो, गाड़ी पकड़ो, इधर से चलो, और वहाँ पे हमारे चंगू भाई एकदम धबर धबर फाइट कर रहे होते हैं, और उनको कोई आएगा अभी झुका के बजा देगा। देखो बजा दिया भाई, मतलब खोल के अच्छी तरह मारते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं बचाओ बचाओ, तो हम बोलते हैं भाई इतना दूर से नहीं बचाएंगे, और हम लोग इनका भाई बॉडीगार्ड है, 15,000 रुपये महीना देने को बोले हैं, नहीं तो सैलरी कट जाएगा बे। तो हम बोलते हैं रुक आते हैं ट्राई करते हैं, तो हम बोलते हैं मंगू भाई तुम फटाफट से उनको बजाते रहो, और हम जा रहे हैं उनको छड़ी से मारेंगे, डंडा से मारेंगे, कैसे हमारे चंगुआ को हाथ लगाया बे। तो हम जैसे ही जाते हैं देखना अभी हमको भी पेल देगा ससोला। अभी भाई साहब तो नोक पड़े थे और एक यहाँ पड़े थे, तो हमको लगा एक ही बंदा अभी वाइफ नहीं हुआ होगा, इसको तो मारते। ओ भाई साहब जल्दी बचा ले रे मंगू, बचा ले प्लीज बचा ले। हाँ बच गए, और तभी देखते भाई की आवाज आते एनमी का, तो देखती तो अपने हैं भाई। चलो गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ और बंदों पे लेके जाओ, चिकन डिनर करेंगे, विनर विनर करेंगे, चिकन डिनर करेंगे। तो फटाफट से भाई 3-4 भौर अजय देवगन जैसा घुमाते यहीं पे फिर लेके आते हैं, और हमको पता चल गया है कि भैया इनका पिंग होता है हाई, क्योंकि अभी देखना गाड़ी ठोक के वहीं पे खड़े हो जाएंगे। अब इनका पिंक हाई होता है तो हम बोलते हैं भाई गाड़ी चेंज करो, हमको ड्राइविंग दो, मतलब गाड़ी नहीं सीट चेंज करो ड्राइविंग दो। तो भाई साहब होशियार होते हैं मेरे को लग रहा है, हॉल पे सुन रहे होते हैं, और ये सीट चेंज कर देते तो हम भाई लेके आ जाते इनको यहाँ पे, और जो भी 2-4 बंदे होते हैं उनको निपटाते हैं, और बोलते भाई हम लोग ऊपर गाड़ी चढ़ा दो किल ले लो, तो ये भाई साहब चढ़ा ही नहीं लेते। तो हम बोलते मंगू बेटा इसके बाहर लग रहा है गाड़ी के, खुद जाकर टक्कर मारना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। हम भाई खुद इन गाड़ी से टकरा के और नोक हो जाते हैं, और बोलते भाई तू भी कूद जा उनके सामने, दे दे चिकन, ये ससुरम मार नहीं पाएगा। तो भाई मंगू भी हमारे उसके सामने कूद जाता है और उसको मिल जाता है चिकन डिनर।